कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको जो शामी कबाब की रेसिपी दी थी, क्यों ना अब उसके साथ आपको सैंडविच बनाने सिखाए जाएं। मैं इंशाल्लाह आगे भी अपनी रेसिपीज़ में बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। जो मदर्स बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि बच्चे लंच नहीं करते, ये लंच बॉक्स वापस ले आते हैं, तो उनके लिए सिंपल से सोल्यूशन मेरे पास हैं। बस थोड़े थोड़े से काम हैं, छोटे छोटे से काम हैं, जिन्हें करके घर की चीज़ों को ही यूज़ करके आप अपने बच्चों को कलरफुल और बहुत ज़्यादा टेस्टी और अट्रैक्टिव किस्म के लंच बॉक्स जो हैं वो बना के दे सकती हैं। और फिर आपको ये भी शिकायत नहीं होगी कि बच्चों ने लंच बॉक्स कंप्लीट नहीं किया। तो चलते हैं, और जो शामी टिक्कियाँ मैंने आपको शामी कबाब बनाने सिखाए थे, उनसे हम लोग अब सैंडविच भी बनाते हैं। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे देखिए, हमने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मैं पहले इसके लिए जो इसकी सॉस है वो बनाऊँगी, ठीक है। बर्गर की सॉस तैयार करेंगे हम लोग सिंपल चीज़ों से। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है आपको बताऊँगी। अब ये चीज़ें मार्केट से लिए हैं, ये चीज़ें खरीदने, वो चीज़ खरीदने, वही चीज़ लेंगे जो लोग जो चीज़ें हम लोग आम रूटीन में अपने घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चले आए, बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने ली है, यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सी कैबेज, यानी कि बंद गोभी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले हम लोग इसको डालेंगे बॉल में। और ये थोड़ी सी मैंने कैरेट ली है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब हम लोग इसको डालते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ सीजनिंग्स हैं जिनमें कि ये नमक है और काली मिर्च है। ये आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोगों ने इतनी ही चीज़ यूज़ करनी है, लेकिन मैं भी तकरीबन अपने टेस्ट के मुताबिक ही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन फिर देख लेते हैं कि अगर कमी बेशी हुई तो दोबारा यूज़ हो जाएगी। ये तकरीबन हाफ हाफ चम्मच थी जो मैंने यूज़ की है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मायनीज। मायनीज के बाद हम इसमें यूज़ करेंगे केचप। अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो मैं और ले लूँगी। और साथ में ही हम लोग इसमें यूज़ करेंगे स्पून की यूज़ कर लेते हैं सिरका। और अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी केचप के लिए सॉस रेडी हो गई है, जिसमें के वेजिटेबल्स भी हैं, कैबेज भी है, कैरेट भी है। इसमें आप मज़ीद एडिशन करना चाहें तो आप इसमें बॉयल एग लेके उसके छोटे छोटे चंक्स करके वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ये मज़ीद फुल प्रोटीन हो जाएगी। और जो लोग शिकायत करते हैं जी, जिन लोग की ये कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, वो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बदल के, वेजिटेबल्स की शक्ल बदल के अपने बच्चों को दें, तो इंशाल्लाह ताला बच्चों जो हैं वो वेजिटेबल भी यूज़ हो जाएगी, बच्चे वेजिटेबल भी खा लेंगे और उसके अलावा उनको मज़े मज़े के लंच भी मिलेंगे। तो अब मैं आपको इसके साथ सैंडविच बनाना सिखाती हूँ। जी, तो जैसे आपने देखा, हम लोगों ने इसकी सॉस जो है वो रेडी कर ली है। तो अब हम लोग अपना सैंडविच रेडी करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी ब्रेड, और ब्रेड के ऊपर हम लोग लगाएंगे अपना वेजिटेबल एंड केचप मायनीज की सॉस। और इसके ऊपर मैं रखूँगी अपना शामी कबाब, और इसको मैं करूँगी थोड़ा प्रेस।
कबाब रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर यूज़ करूँगी थोड़ा सा सलाद, जिसमें कि मैं यूज़ कर रही हूँ खीरा और थोड़े से टोमेटोस। अब हम अपना दूसरा स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर भी सेम हम इसी तरीके से सॉस लगाएंगे अपनी। और इसको हम प्रेस कर देंगे। इसको असेंबल करने के बाद अब हम लोग इसकी पैकिंग कर लेते हैं, थोड़े से इसको यानी कि कवर कर लेते हैं। अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दें तो आप इस तरह से कर सकती हैं कि नीचे बटर पेपर रखिए, ये है बटर पेपर, बटर पेपर रखिए, इसके ऊपर आप अपना सैंडविच रखिए और इसको ऐसे लपेट दीजिए। ऐसे कवर करने से ये होगा कि वेजिटेबल्स बाहर नहीं गिरेंगी, सैंडविच भी कवर रहेगा। यहाँ पे आप इसको टेप कर सकती हैं, ठीक है। टेप करने जब आप इसे टेप कर लेंगी तो ये इस तरह से मुकम्मल तौर पे कवर हो जाएगा, फिर तो इसके गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं है। इसको कवर करने के बाद आप लोग इसको ऐसे दो स्लाइस में काट लीजिए और ये हमारा सैंडविच जो है ये रेडी है। देखें इसमें वेजिटेबल भी हैं, इसमें आपका वो कबाब भी आ गया और इसमें जो हमने सॉस बनाई है वो भी आ गया। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इसको प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।